सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज चिन्नप्रीति। सो पिछली वीडियो तक हम देख चुके थे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमने पिछली दो वीडियोस में देखा था सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी आप उनसे रिलेट करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करूँगा, एक डायग्राम दिखाऊंगा सबसे पहले आपको, और ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस का डायग्राम, और इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो यहाँ पर अब हमको ये क्लियर दिख रहा है। तो क्या करूँगा मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। हमने गाइस सिंगल इनहेरिटेंस में देखा था कि क्या हो रहा था, एक क्लास थी ए और एक क्लास थी बी। वो क्या हो रहा था, क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज क्लास बी के अंदर इनहेरिट हो रही थी। और हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखा था क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्लास बी के अंदर इनहेरिट हो रही थी और क्लास बी की प्रॉपर्टीज क्लास सी के अंदर इनहेरिट हो रही थी। तो हमने देखा था सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम देख रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, यहाँ पर क्लास ए एक इंडिविजुअल अपनी अलग क्लास है और क्लास बी एक इंडिविजुअली अपनी अलग क्लास है। इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि कोई किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा। ये अपने में एक अलग से क्लास है, बी क्लास अपने में एक अलग से इंडिविजुअल क्लास है, लेकिन एक सी क्लास है। वो सी क्लास क्या कर रही है, यहाँ पे क्लास ए को भी इनहेरिट कर रही है, क्लास बी को भी इनहेरिट कर रही है। तो क्लास सी के अंदर क्या हो रहा है, ए की प्रॉपर्टीज भी आ जा रही हैं और बी की प्रॉपर्टीज भी आ जा रही हैं। अब अगर मैं आपको सिंगल और मल्टी लेवल का डायग्राम दिखाऊं एक बार तो आप कंपेयर कर पाएंगे। सो यहाँ पे सिंपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा था, क्लास ए थी, क्लास बी थी, क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्लास बी में इनहेरिट हो रही थी। मल्टी लेवल में क्या था, क्लास ए से क्लास बी में इनहेरिट होती, क्लास बी से क्लास सी में इनहेरिट होती। लेकिन मल्टीपल में क्या है, ये क्लास ए और बी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। क्लास ए अपनी अलग क्लास है, क्लास बी अपनी अलग क्लास है, और क्लास ए और बी दोनों से सी के अंदर प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्लास ए अपने आप में, इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, क्लास ए अपने आप में एक अलग क्लास है, क्लास बी अपने आप में एक अलग क्लास है। इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और क्या हो रहा है, सी क्या है, इन दोनों को इनहेरिट कर रही है। तो अभी तक तो हम देख रहे थे पेरेंथेसिस के अंदर हम लिख ले रहे थे, अगर ए क्लास को इनहेरिट कर रही है बी क्लास, तो बी और ब्रैकेट के अंदर हम लिख ले रहे थे ए, तो उस प्रकार से इनहेरिटेंस कर रहे थे। लेकिन इन दो क्लास को कैसे इनहेरिट कराएंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, देखते हैं। इसे हटाता हूँ और इसे भी हटाऊंगा और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पर आकर क्या करूँगा, पहले ये हमारी पिछली वीडियो है और पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल खोल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर डिफरेंट टॉपिक्स कवर हैं उनको देख सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा ताकि समय की थोड़ा सा बचत हो, और यहाँ पर आकर मैं बना लूँगा oops9.py और इस फाइल को यहाँ पर खोल लूँगा और यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं पिछली वीडियो का इनका रिलेशन हटाना चाहता हूँ और क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ, फिलहाल थोड़ा सा चेंजेस करूँगा और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी हटा दूंगा। अब मैं एक ओवरव्यू दूंगा अभी तक इस कोड के अंदर क्या है। बेसिकली कुछ नहीं है, सारे रिलेशंस मैंने हटा दिए हैं। क्लास ए नाम की एक क्लास है, उसके अंदर दो फंक्शन है, एक है फंक वन नाम का फंक्शन, एक है फंक टू नाम का फंक्शन। क्लास बी एक क्लास है, उसके अंदर दो फंक्शन है, एक है फंक थ्री नाम का फंक्शन, एक है फंक फोर नाम का फंक्शन। और ये बी क्लास किसी से भी कुछ इनहेरिट नहीं कर रही है, सिंपली बी क्लास अपने आप में एक अलग क्लास है, क्लास ए अपने आप में एक अलग क्लास है, और देख लें आप यहाँ पे कोई भी इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है। क्लास सी नाम की एक क्लास है, और क्या है, उसके अंदर एक फंक फाइव नाम का फंक्शन है, और इसके अंदर भी ना कुछ इनहेरिटेंस हो रही है ना कुछ हो रही है। अभी इस स्टेज पे क्लास ए अपने आप में एक अलग क्लास है, क्लास बी अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल क्लास है, क्लास सी अपने आप में एक अलग क्लास है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम करना चाहते हैं सी के अंदर ए को भी इनहेरिट और बी को भी इनहेरिट, यानी कि ए की प्रॉपर्टीज भी सारी आ जाए और बी की भी आ जाए। तो क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल ए क्लास का नाम, और इनहेरिटेंस के लिए हम करते क्या है, पेरेंथिसिस लगा के उसके अंदर क्लास का नाम देते हैं। हमें दूसरी क्लास भी इनहेरिट करनी है तो हमको लगाना होता है कॉमा, और लगा देंगे हम दूसरी क्लास का नाम यानी कि बी। तो सी के अंदर हमने ए को भी इनहेरिट कर लिया और बी क्लास को भी इनहेरिट कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। तो हमने लिखा ए कॉमा बी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए को भी इनहेरिट कर लिया और बी को भी इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों के दोनों इसकी पेरेंट क्लास बन गई, सी क्लास की पेरेंट क्लास बन गई ए भी और बी भी, क्योंकि ये ए की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर रहा है और बी की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर रहा है।
तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मदर क्लास हो गई, ये एक फादर क्लास हो गई, तो ये मम्मी है, ये पापा है, और सी जो है उसका चाइल्ड है। तो ऐसा हालांकि होता कुछ नहीं है, बोलते हैं मैंने पेरेंट क्लास ही है। तो ए जो है एक पेरेंट क्लास है, बी भी एक पेरेंट क्लास है, और ये दो पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास बन रही है। यानी कि ये चाइल्ड जो है सी, ये इनहेरिट कर रहा है ए क्लास को भी और बी क्लास को भी, इनकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएंगी। तो इससे होगा क्या, मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ओबीजे नाम से, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बनाया था। और ओबीजे नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा सी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो कैपिटल सी क्लास का नाम है, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सी के अंदर क्या है, इनहेरिट हो रही है ए की प्रॉपर्टीज भी और बी की प्रॉपर्टीज भी। तो ए के अंदर क्या था, फंक वन और फंक टू, तो वो इनहेरिट होकर सी के अंदर आ गया। और बी के अंदर क्या था, फंक थ्री फंक फोर, तो वो भी इनहेरिट होकर सी के अंदर आ गया। और सी के अंदर अपना फंक फाइव नाम का फंक्शन तो था ही। तो अब क्या है, मैं जैसे ही ओ बी जे डॉट लिखूंगा, ये मुझे जब सजेशन देगा, मुझे पांचों के पांचों सजेस्ट कर रहा है। यानी कि मैं फंक्शन वन को भी एक्सेस कर सकता हूँ, फंक टू को भी, फंक थ्री को भी, फंक फोर को भी, फंक फाइव को भी, मैं सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सी क्लास के ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा फंक वन, और फंक वन लिख दूंगा, और उसी प्रकार से मैं यहाँ पे पांच बार यहाँ पे फंक टू लिखूंगा, और यहाँ पे फंक थ्री लिख दूंगा, और फंक फोर लिख दूंगा, और फंक फाइव लिख दूंगा। तो मैं पांचों को एक्सेस कर सकता हूँ। और मैं जैसे ही अभी से रन करूंगा तो मुझे इनसाइड फंक वन, फंक टू, फंक थ्री, फंक फोर और फंक फाइव देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे ही ये रन होगा तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल गया इनसाइड फंक वन, फंक टू, फंक थ्री, फंक फोर और फंक फाइव। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली हमारे को इससे फायदा क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस से हमको फायदा ये हुआ कि हमारे पास एक इंडिविजुअल अलग से क्लास थी, क्लास ए, एक थी अलग से क्लास, क्लास बी, और हमने दोनों के फंक्शंस की एक्सेस ले ली सी क्लास को यूज करके। यानी कि सी के अंदर हमने इनहेरिट की ए बी और बी भी। अब आप में से अगर किसी ने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वाली वीडियो देखी या फिर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में, तो आप बोलोगे कि भाई यही काम तो तूने उसमें भी किया था, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रह गया। तो अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार बताता हूँ कि उसमें क्या था। क्लास बी के अंदर हम क्लास ए को इनहेरिट कर रहे थे, और फिर क्लास सी के अंदर क्लास बी को इनहेरिट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्लास ए और बी का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्लास ए अपने आप में एक अलग क्लास है, क्लास बी अपने आप में एक अलग क्लास है। और एक और चीज, अगर हम वहां पर क्लास बी का कोई ऑब्जेक्ट बनाते तो उससे हम क्लास ए के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि हमने बी के अंदर ए को इनहेरिट किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम सिर्फ दो ही फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे, एक फंक थ्री और फंक फोर को, और ए का बनाएंगे तो ऑब्वियसली फंक टू और फंक वन को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन जब हम इसको इनहेरिट कर लेंगे, इन दोनों को एक साथ इनहेरिट कर लेंगे, तो क्या होगा, हम सी के ऑब्जेक्ट से पूरे के पूरे सारे फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ आया होगा, और आशा करता हूँ आपको ये इनहेरिटेंस भी समझ आए होंगे। सिंपल इनहेरिटेंस हो गए, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गए, और मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और आगे की वीडियोस में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह देखेंगे, फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आगे कोई वीडियोस पसंद आई तो इनको लाइक ज़रूर करें, और अगर पसंद नहीं आई तो यार डिसलाइक करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक्स भी देखने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर हैं। सो फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतना ही रहेगा, अगर पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। सो फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतना ही रहेगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, ओके बाय।